Okay. So now FA, that is financial accounting, 6th semester का first topic हम लोग start करने वाले हैं, that is foreign currency. 20 marks के लिए ये question पूछा जाता है, as per latest pattern, पहले पूछा जाता था 15 marks के लिए, लेकिन अभी आएगा 20 marks के लिए, okay? So 20 marks, या फिर जैसे last sem में आपने देखा होगा, 5th sem में, buyback का एक question पूछा था, buyback and internal reconstruction, one question for 20 marks and other question for 10 marks. तो वैसे ये टॉपिक भी आपको आ सकता है, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए और दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए. दैट्स व्हाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टॉपिक का नाम ही है फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी का मतलब आप लोग बोल सकते हो डॉलर, ओके. इंडिया का करेंसी है रुपीस, और अगर आप लोग आउटसाइड इंडिया जाओगे तो वहां पे रुपीस नहीं चलता है, ओके. वहां पे चलेगा डॉलर, ओके. अगर आपने वहां पे रुपीस लेके गए और वहां पे बोला कि मुझे ये खाना है तो आपको वो मिलने वाला नहीं है. वहां पे गांधी जी नहीं चलते, इन शॉर्ट, ओके. सो डॉलर एंड रुपीस, ऑलमोस्ट जो आपको क्वेश्चन आएगा वो हमेशा डॉलर्स में ही होता है. सो अगर आपको एक्सचेंज रेट पता करना है, आप लोग सर्च कर सकते हो एक्सचेंज रेट क्या है. $1 इज इक्वल टू अराउंड 70 रुपीज, 75 रुपीज, और ये जो रेट है हमेशा चेंज होता रहता है. और आपको क्वेश्चन में भी वही देखना है कि जब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी जर्नल एंट्रीज चेंज होती है, ठीक है. सो सबसे पहली बात, ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अराइज कब होगा. दो टाइप के ट्रेड होते हैं, वन इज डोमेस्टिक ट्रेड एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब होता है अगर आप लोग इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों मुंबई में और आपने परचेस किया कुछ राजस्थान से या फिर गुजरात से या फिर पंजाब से, तो मुंबई में भी यूज क्या होता है रुपीज, ओके, रुपया, ओके. और दिल्ली है, पंजाब है, राजस्थान है, वहां पे भी क्या यूज होगा, रुपीज ही यूज होगा. सो पूरे इंडिया में ओवरऑल डोमेस्टिक ट्रेड जो है वहां पे एक ही करेंसी यूज होता है, दैट इज रुपीज. लेकिन जब आप इंडिया के बाहर बिजनेस करते हो तो वहां पे दो करेंसी होता है, ओके. एक तो होगा आपका रुपीज, और जिस कंट्री के साथ आप लोग वो ट्रांजेक्शन करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के साथ अगर करते हो तो वहां पे क्या आएगा, डॉलर. तो फॉरेन करेंसी कब अराइज होता है, जब आप इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट, ओके. अदरवाइज आप लोग इंडिया में आप ऐसे नहीं करोगे, केले वाले के पास गए, केले वाले को बोला कि कैसा है डजन है, तो आप केले वाला बोलेगा अगर 70 रुपया डजन, तो आप उसको $1 निकाल के दोगे, ओके, तो आपको केला ही देगा, ठीक है. सो ये फॉरेन करेंसी कब आएगा, जब इंपोर्ट होगा या फिर एक्सपोर्ट होगा, उस वक्त. इंडिया में हम लोग कहीं पे भी डॉलर यूज करने वाले नहीं, आप खुद के पास रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं होता. यहाँ पे कौन सा करेंसी चलता है, रुपीस, ओके. सो हमारा फोकस हमेशा होगा यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर, ओके. सो ये जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, परचेस, एंड एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सेल्स. जब आप बाहर की कंट्री से कुछ परचेस करते हो दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट, और जब आप बाहर की कंट्री में कुछ सेल करते हो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट, ओके. यहाँ पे ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, आपको सिर्फ दो दो जर्नल एंट्रीज ही पढ़नी है, ओके. फर्स्ट देखेंगे इन केस ऑफ परचेस, दैट इज इंपोर्ट. तो आप जब परचेस करोगे, क्वेश्चन में क्या आएगा, कोई एक्स वाई जेड कंपनी था, उसने बाहर के किसी पर्सन से या फिर कंपनी से कुछ खरीदा, ओके. सो जब भी आप लोग खरीदोगे दैट विल बी ऑन क्रेडिट बेसिस. तो जिसके पास से आप खरीदते हो, परचेस करते हो, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, ओके. सो जब आप लोग परचेस करोगे तब एंट्री आता है इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ओके. जिसके पास से परचेस किया था उसका नाम आएगा. फॉर एग्जांपल आपने परचेस किया था एक्स वाई जेड लिमिटेड ऑफ अमेरिका, तो यहां पे आएगा इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड लिमिटेड अकाउंट, ओके. और अपना रूल आपको पता है, क्रेडिट द गिवर, सो जो गुड्स देने वाला है, ओके, उसका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है. नेक्स्ट वन, उसने क्रेडिट बेसिस पे आपको गुड्स दिया था, आपने परचेस किया था, फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, इसका पेमेंट करने वाले हो, ठीक है. सो अब जो ये पेमेंट है, पेमेंट किसको मिलेगा, क्रेडिटर्स को. सो डेबिट द रिसीवर, और आपके पास से कैश जाने वाला है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसका एंट्री आएगा सिंपल क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये देखा हम लोगों ने परचेस के केस में, और दोनों अभी तक एक साथ पूछा नहीं गया, एक तो इंपोर्ट आएगा या फिर
एक्सपोर्ट आएगा। तो ये था आपका इंपोर्ट, दो स्टेप्स है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज परचेस एंड सेकेंड वन इज पेमेंट मेड, क्योंकि आपने परचेस किया तो आप पेमेंट करोगे। ओके, यहाँ पे सेकेंड केस इज एक्सपोर्ट। ओके, एक्सपोर्ट में क्या होगा, आपने किसी को सेल किया था, सो जिसको आप उधारी पे बेचते हो गुड्स या फिर सेल करते हो उसको क्या बोला जाता है, डेटर्स। सो डेबिट द रिसीवर, एंट्री आएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट। ओके, और अगर आपने उसको उधारी पे कुछ सेल किया था तो फ्यूचर में वो आपको पेमेंट देगा, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है पेमेंट रिसीव। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंट्री लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और इसको छोड़ के और कोई एंट्री आने वाला नहीं, एक दो एंट्री है लेकिन वो बहुत ही इजी एंट्रीज है। ठीक है, इतना आपको समझा होगा। ये जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद आपको एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, उसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, शॉर्टकट में उसको बोलते हैं FEF, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपने इंटरनेट पे भी चेक किया और आज एक डॉलर का भाव चेक किया तो वो होगा 70, अगर आपने 10 दिन बाद चेक किया या फिर एक महीने के बाद चेक किया वो होगा 75। ओके, उसके बाद एक महीने के बाद चेक किया तो वो होगा 72। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, हमेशा फ्लक्चुएट होता है। और क्वेश्चन में भी क्या आएगा, सपोज आपने इम्पोर्ट किया जो गुड्स था 1 लाख डॉलर्स का, ओके, और आपके पास 1 लाख डॉलर नहीं है अभी पेमेंट करने के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। सो सपोज जब आप लोगों ने पहले $50,000 का पेमेंट किया, ओके, तभी एक्सचेंज रेट अलग था, बचा कितना अभी $50,000, तभी एक्सचेंज रेट अलग था, तो वो जो डिफरेंस है वो आप लोग कहां पे एडजस्ट करोगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। ओके, जैसे हम लोगों ने देखा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वहां पे आप लोग कौन सा अकाउंट बनाते हो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, वैसे यहाँ पे कौन सा अकाउंट होगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कॉमन सेंस ध्यान में रखने का, जैसे हम लोगों ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी देखा था, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहां पे लिखोगे, क्रेडिट में। ओके, और जब लॉस, इसका मतलब क्या होता है, लॉस, जब लॉस होगा तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहां पे लिखोगे, डेबिट। ओके, इतना समझा आपको बेसिस, बेसिक ये एंट्री आपको समझना है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जब आपको प्रॉफिट होगा, ओके, जब खुशी होगी तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहां पे लिखोगे, क्रेडिट में, और जब दुख होगा, लॉस होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहां पे लिखोगे, डेबिट। इतना सिंपल टॉपिक है, ठीक है, इतना समझा, इतना लिखा। ओके, सो ये था फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, आई होप आपको ये एंट्रीज और ये समझा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना चाहिए, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन। ओके, सो दो केसेस में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट वन इज इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड सेकेंड वन इज केस ऑफ एक्सपोर्ट। ओके, अगर ये नहीं समझा तो आपको चैप्टर समझने वाला नहीं। जैसे मैंने बोला था क्रेडिट बेसिस पे आपने परचेस किया था, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने गुड्स परचेस किया था, ओके, उसका कॉस्ट था 1 लाख डॉलर। ओके, उसका कॉस्ट कितना था, 1 लाख डॉलर। ओके, अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करते तो आपको ये कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, दैट इज कॉल्ड कैश बेसिस। लेकिन हम लोगों को जो क्वेश्चन आने वाला है वो कैसे होगा, क्रेडिट बेसिस। ओके, सो क्रेडिट बेसिस पे क्या होगा, आपने परचेस किया उसका कॉस्ट था 1 लाख डॉलर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब इम्पोर्ट था तब रेट था $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। रेट कितना था, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। इसका मतलब क्या है, अगर आपने इमीडिएट पेमेंट किया होता, जरा अपन समझा
फॉर एग्जाम्पल जूनला अपन विकत घेतले थे गुड्स, जून अगर आपने जून में पेमेंट किया होता उसी वक्त, तो पेमेंट कितना करना पड़ता एक डॉलर के लिए 70 रुपीज। इथे अपन पेमेंट करतो त्याच्यामुळे लक्षात हम लोग पेमेंट करने वाले, अगर पेमेंट किया होता तो कितना पेमेंट करना पड़ता 70 रुपीज। लेकिन आपने अभी पेमेंट किया है क्या? आपने पेमेंट नहीं किया, आपने खाली परचेस किया क्रेडिट बेसिस पे, उधार पे गुड्स लिया है, पैसा दिया है क्या अभी तक? नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम्ही जुलाई मध्ये पेमेंट केला, ओके, किती डॉलर्स होते 1 लाख, पण जुलाई मध्ये तुम्ही पेमेंट केलं 50,000 फक्त, 50,000 डॉलर्स, ओके, तेव्हा रेट होता 1 डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 75। मतलब इमिडिएटली अगर आप लोगों ने पेमेंट किया होता तो आपको कितना देना पड़ता 70 रुपया, लेकिन अभी कितना देना पड़ रहा है 75, तो आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस, म्हणजे 70 द्यावे लागले असते, आता किती द्यायचे आपल्याला 75, म्हणजे 5 रुपये एक्स्ट्रा, मग इथे 5 रुपयाचा काय झालं तुम्हाला? लॉस, 5 रुपीज का? हा कन्सेप्ट समजला? आपण पेमेंट करतोय, जेव्हा पेमेंट करतो तेव्हा जास्त द्यावं लागतं, म्हणजे काय झालं 5 रुपयाचा तुम्हाला लॉस, ओके, आपण जास्त देतोय म्हणजे लॉस झालं, ओके, थिंग्स फ्रॉम युअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू। हमेशा आपको इंडिया का जो बिझनेसमॅन आहे, इंडिया का जो कंपनी आहे, उसके पॉइंट ऑफ व्ह्यू से सोचना है, ठीक है? सो अगर आप ज्यादा पेमेंट दे रहे हो तो ये क्या होगा आपके लिए? लॉस होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी, 50,000 जुलैला दिले होते, परत ऑगस्टला 50,000 आपण दिले, तेव्हा रेट होता 1 डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 65। मतलब उसी वक्त पेमेंट किया होता तो 70 रुपया देना पड़ता 1 डॉलर के बदले में, लेकिन अभी 1 डॉलर के बदले में आपको कितना देना है? ओनली 65, म्हणजे 5 रुपये तुम्हाला कमी द्यायचे, कम देना पड़ रहा है, तो आपके लिए क्या होगा? वो प्रॉफिट। सो 1 रुपये का प्रॉफिट। ये किसके केस में देखा था हम लोगों ने? इन केस ऑफ इंपोर्ट, ये इंपोर्ट है, इसका अपोजिट होगा एक्सपोर्ट। सेम एग्जांपल अपन एक्सपोर्ट मध्ये बघू, तुम्ही एक्सपोर्ट केले होते गुड्स, तेव्हा त्याची वैल्यू होती 1 लाख डॉलर, बट आपको इमीडिएट पेमेंट नहीं मिला था, ओके, जो सामने वाला है वो आपको पेमेंट करने वाला है, सो दैट इज पेमेंट रिसीव, ओके। जब आपने सेल किया था इन द मंथ ऑफ जून, तब रेट था 1 डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपीज, ओके, सामने वाले ने आपको पेमेंट किया, आपको पेमेंट मिला इन द मंथ ऑफ जुलाई 50,000 डॉलर, का जब पेमेंट आपको मिला, ओके, तब एक्सचेंज रेट था 1 डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 75। मतलब तब अगर आपको पेमेंट मिला होता तो कितना मिलता 70, पण आता किती मिळणार आहे आपल्याला 75 रुपये, तेव्हा 70 मिळाले असते, पण आता किती मिळत आहे 75, म्हणजे आता काय झालं तुम्हाला? प्रॉफिट। सो 5 रुपये का क्या होगा आपका? प्रॉफिट। ये कनेक्शन समझा आपको? यहाँ पे जो लॉस हो रहा था इंपोर्ट के केस में, वो एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। थर्ड वन, फिर से 50,000 डॉलर का पेमेंट किया सामने वाले ने इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, तब 1 डॉलर का रेट था ₹65, म्हणजे जर तेव्हा तुम्हाला पेमेंट मिळालं असतं तर किती मिळालं असतं? 70 रुपये, पण आता किती मिळतंय? 65 रुपीज। उस वक्त अगर पेमेंट किया होता तो कितना मिलता? 70, लेकिन अब कितना मिलने वाला है? ओनली 65, तो 5 रुपये आपको कम मिल रहा है, तो 5 रुपये का क्या होगा आपका? लॉस। 5 रुपीज का लॉस। और इसी के ऊपर आपका चैप्टर डिपेंड है, अगर आपको ये समझा तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ये जो जर्नल एंट्रीज है आपका, इन केस ऑफ परचेस देयर आर 2 एंट्रीज, फर्स्ट वन इज परचेस एंड सेकेंड वन इज पेमेंट। परचेस का एंट्री, इम्पोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स,
पेमेंट का एंट्री क्रेडिटर्स टू बैंक. नेक्स्ट वन इज सेल्स. सेल्स के केस में भी टू एंट्री, सेल्स एंड पेमेंट रिसीव. सो सेल का एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स एंड पेमेंट रिसीव्ड का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. ओके. फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के बारे में देखा. एफईएफ अकाउंट बनाओगे, अगर प्रॉफिट होता है तो एफईएफ कहां पे लिखोगे? क्रेडिट में. अगर लॉस होता है तो एफईएफ कहां पे लिखोगे? डेबिट में. ओके. उसके बाद हम लोगों ने देखा एक्सचेंज रेट कैसे फ्लक्चुएट होता है. जब आपने इंपोर्ट किया था एक्सचेंज रेट कितना था? $1 इज इक्वल टू 70. जब आपने पेमेंट किया तो रेट कितना था? 75 रुपीज एक्स्ट्रा दिया तो क्या होगा? लॉस. नेक्स्ट मंथ कितना था? 65, मतलब 5 रुपया कम दिया तो क्या होगा? प्रॉफिट. ऑलवेज आपको किसके साथ कंपेयर करना है? स्टार्टिंग के रेट के साथ. ओके. इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जब आपने एक्सपोर्ट किया था तब रेट था 70, उसके बाद आपको पेमेंट मिला तभी कितना था? 75 एक्स्ट्रा मिला तो प्रॉफिट. नेक्स्ट मंथ रेट कितना था? 65, मतलब कम मिला तो क्या होगा? 5 रुपए का लॉस. अगर आपको ये समझ में आया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी आपका आइडिया और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. और कुछ डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट में डाल सकते हो, या फिर और कुछ वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो. ओके. थैंक यू.